Hello friends, welcome to the ECLE. I am Rahul and today we will study about the can have. और हमने कल की क्लास जो can be की क्लास हमने ख़त्म कर ली थी. कल की क्लास लंबी हो गई थी, थोड़ी सी 30 मिनट की क्लास हो गई थी और आज हम can have की क्लास पढ़ेंगे. ओके, और साथ ही साथ मैं आपके बीच में हर बार की तरह वॉकी भी लाया हूँ, तो आज हम वॉकी भी करेंगे. तो बोथ वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आपकी हर दिन आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है, तो आपको डबल बेनिफिट्स. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे सीधे वोकैबुलरी पे चलते हैं. एंड वोकैबुलरी इज़ वेरी इजी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी है, और मैं कह सकता हूँ कि आपको सेंटेंस बनाने भी मज़ा आएगा. जो कल की वोकैबुलरी है उसके भी आपको सेंटेंस बनाने हैं. आपको बिल्कुल भूलना नहीं है सेंटेंस बनाना, क्योंकि यह कोई नहीं कराएगा, सिर्फ ग्रामर कराते हैं. लेकिन इस ग्रामर के अलावा आपके अगर वोकैब इम्प्रूव है, वोकैब है, अगर डेली आप 5 से 10 वोकैब पढ़ रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता अंग्रेजी को अच्छी वोकैब इम्प्रूव करने से. और आपको क्या, आपको ग्रामर इम्प्रूविंग से और स्पोकन इंग्लिश से, तो आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो फर्स्ट देख ले, हम वोकैब पे चलते हैं. तो फर्स्ट वोकैब क्या है? फर्स्ट वोकैब हम सेटिस्फैक्ट्री. सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक. दिस इज द एडजेक्टिव. ये अपना क्या है? एडजेक्टिव है. और सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतोषजनक. क्या होता है? संतोषजनक. तो वी कैन यूज द सेंटेंसेस इन द सेंटेंसेस वी कैन यूज इन दिस वोकैब. सो जैसे बोल सकते हैं, उसने शिक्षक को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. ही डिड नॉट आंसर्ड सेटिस्फैक्ट्री. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. इट इज इजी. सेकेंड देखते हैं एंड्योर. एंड्योर मीन्स होता है क्या? एक डबल है, एक बर्बी भी है. ये नाउन की तरह भी यूज होता है. ठीक है, बोथ है. ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह. एंड्योर मीन्स होता है प्रयास. ये नाउन है और ये क्या है? प्रयास करना. तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा अच्छा यह तुम्हारा अच्छा प्रयास है. इट इज़ योर गुड एंड्योर हम बोल सकते हैं. यहाँ पर प्रयास करना बोल सकते हैं कि हम प्रयास करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू एंड्योर भी हम बोल सकते हैं. ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी, बिल्कुल ईजी, आसानी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने में. ओके, नेक्स्ट मीनिंग है क्या है? डिसप्लेजर. डिसप्लेजर मीन्स होता है अप्रसन्नता, या फिर हम नाराजगी बोल सकते हैं. अप्रसन्नता हो या फिर नाराजगी हम बोल सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं किसान बोल से किसानों को नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है. तो बोल सकते हैं देयर, क्या बोल सकते हैं? देयर इज डिसप्लेजर फ्रॉम फार्मर्स बोल. दे आर डिसप्लेजर फ्रॉम फार्मर्स बोल, फ्रॉम ऑफ फार्मर्स बोल सकते हैं. ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्या है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन था. ठीक है, ये है मिसप्रिजन. मिसप्रिजन मीन्स होता है गलत फहमी. मिसप्रिजन मीन्स क्या होता है? गलत फहमी पैदा करना, जिसे हम कोई गलत फहमी बोल सकते हैं. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? मिसप्रिजन मीन्स जैसे हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं या कोई व्यक्ति अलग से कोई बात करता है तो उसको कुछ गलत फहमी वगैरह हो जाती है, कुछ कोई कोई ऐसे हो जाती है. तो बोल सकते हैं कि हमें उसे गलत फहमी हो सकती है. ये नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि उसे गलत फहमी होने ही नहीं चाहिए. ही मस्ट नॉट हैव मिसप्रिजन. ही मस्ट नॉट हैव मिसप्रिजन हम बोल सकते हैं. ठीक है, फिर है ये भी नाउन है. नेक्स्ट वाली ये देख लो, यह प्रोवाइंस. प्रोवाइंस मीन्स होता है प्रेत या प्रदेश, या हम बोलते हैं स्टेट. इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट, जो इजीली हम यूज़ करते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? प्रोवाइंस हम बोलते हैं. तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में हम चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब हम आगे बढ़ते हैं. तो अगर इसको आप, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट्स यू कैन टेक, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं. तो आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा. ठीक है, तो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीन शॉट. इसको भी लेना हो तो उसने ले लिया है. ठीक है, तो थैंक यू. पर हम आगे बढ़ते हैं, क्लास छोड़कर नहीं जाना. ठीक है, क्लास छोड़कर आपको जाना नहीं है. और हम पढ़ते हैं क्या? कैन हैव. हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे कैन हैव. ठीक है, कैन हैव इज़ वेरी यूजफुल. ओके, कैन हैव का है यूजफुल है, कैन हैव. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? फिर से मैं रिपीट करूँ, कैन हैव. ठीक है, तो क्या है कैन हैव? तो कैन हैव में सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, जो हर बार सेंटेंस की जान होती है, तो पहचान इसकी क्या होती है? इसकी पहचान होती है आपकी, इसकी पहचान क्या होती है बताओ? इसमें
पास हो सकता है, पास हो सकता है, सेंटेंस की लास्ट में पास्ट हो, पास हो सकता है, सकती है या सकते हैं, ठीक है, पास हो सकता है, पास हो सकते हैं, पास सकते हैं, और उस कोई हम सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे उसे बुखार हो सकता है, उसे बुखार हो सकता है, मेरा क्या लिखना, हाँ जैसे मेरा भाई हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है तुम्हारे पास खेती हो सकती है, तुम्हें गलत फहमी हो सकती है, तुम्हें गलत फहमी हो सकती है, मतलब गलत फहमी क्या हो सकती है, पास हो सकती है, तुम्हें गलत फहमी हो सकती है, मतलब पास हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो हम इस प्रकार हम यूज़ करते हैं। एक और लिखो, बच्चों के पास किताबें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास किताब हो सकती है, उसके पास एक कप चाय हो सकती है, बोल सकते हैं मेरे कपड़े हो सकते हैं, यह मेरा भाई हो सकता है भी बोल सकते हैं, वह उसके पास जानकारी हो सकती है या उसे जानकारी हो सकती है, मेरा दिमाग हो सकता है, उसका हाथ हो सकता है, गांव की गाय की पूंछ हो सकती है, तो कुछ सेंसिबल होता है। जैसे बुखार है, फीवर है, जो मैं ट्यूबरकुलोसिस की क्लास बताता था, टू हैव की क्लास में, कैन है भी, बुखार है, किसी को बीमारी है तो ऐसे बोल सकते, उसे कैंसर हो सकता है, वैसे तो ना हो किसी को, ऐसा उसे कैंसर हो सकता है, तुम्हें टीबी हो सकती है, बोल सकते हैं मुझे कोरोना हो सकता है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। तो यह पहचान थी। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट्स यू कैन टेक, और आप अपनी कॉपी पर यह सेंटेंस आप लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आप उसके बाद कैन है आपके, मतलब हमने इसकी बात कर ली, अब हम पहचान की बात करते हैं। पहचान, साइंटिस्ट की जो जान होती है वो क्या होती है, पहचान होती है। साइंटिस्ट की वो जान होती है वह पहचान होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट की जान पहचान मतलब स्ट्रक्चर्स है, क्या सकते हैं स्ट्रक्चर के, हम स्ट्रक्चर्स या हम फार्मूलास, एक मिनट, स्ट्रक्चर या फार्मूलास हम बोलते हैं, ठीक है, गलत लिख दिया, कोई स्पेलिंग गलत हो गई। तो हर बार की तरह हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कैन प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ठीक है, ऐसे नेगेटिव क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ वाला लिखते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी हैव नहीं आएगा, इस पर नॉट लगाते हैं, ठीक है, नॉट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ध्यान से देखना आप, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब तो वैसे आप बना सकते हैं, अगर मैंने स्ट्रक्चर्स बना दिया तो आप आसानी से बना सकते हो। सिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, यू हैव टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिक्स स्ट्रक्चर्स, ओके, या यू आर टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, यू कैन मेक दिस सेंटेंसेस, ओके। सो आपने इसके स्ट्रक्चर्स लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स, यू हैव टू राइट ऑन द योर बुक, ओके, सो योर
कॉपी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके तो आगे बढ़ते हैं बड़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मैं लो जैसे बोल सर उसे कोरोना हो सकता है। ध्यान रखना इसमें पास होने का सेंस आएगा, भाव के तौर पर करना, ना तो अपन कैन बी से बना दूँ, कैन हैव से बनेगा। ध्यान रखना सेंटेंस पर फोकस करना है, यू हैव टू फोकस इन द सेंटेंस। तो क्या बनाएंगे, ही कैन हैव कोरोना। वैसे अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गया, हो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे कोरोना नहीं हो सकता है, उसे कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या आएगा, ही कैन नॉट हैव कोरोना, ठीक है। यह मैंने यहाँ हैव लगा दो, ही कैन नॉट हैव कोरोना। ऐसा हुआ किसी को कोरोना का, बताना कमेंट सेक्शन में, किसी को भी हुआ हो जो गांव में से बिलोंग करता है। हम तो गांव के, मुझे तो नहीं गया। क्या उसे कोरोना हो सकता है, क्या उसे कोरोना हो सकता है। अगर पता चलेगा इसको कोरोना है फिर तो दिक्कत है भैया। क्यों दिक्कत है, सब बंद हो जाता है। कैन ही हैव कोरोना, ठीक है। क्या उसे कोरोना नहीं हो सकता है, क्या उसे कोरोना नहीं हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो, दमदार आदमी हो, इट कैन बी पॉसिबल ना। क्या आएगा, कैन ही नॉट हैव कोरोना, कैन ही नॉट हैव कोरोना। उसे कोरोना कैसे हो सकता है, बहुत अच्छा खासा आदमी भी है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा है, उसे कैसे कोरोना हो सकता है। हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्यों एवरीथिंग इज पॉसिबल ना, कैसे हो सकता है। कैसे मीन्स क्या होता है, हाउ, हाउ कैन ही हैव कोरोना, ठीक है। उसे कोरोना कैसे नहीं हो सकता है, उसे कोरोना कैसे नहीं हो सकता है, उसे कोरोना कैसे, रेड्स लगते हैं, ये रेड ही नहीं है। हाउ कैन ही नॉट हैव कोरोना, हाउ कैन ही नॉट हैव कोरोना, उसे कोरोना कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। आपको तो कहीं आपको कोरोना तो नहीं है। इफ़ योर इम्यूनिटी सिस्टम विल बी गुड बेस्ट, इफ़ यू हैव कोरोना, कोरोना कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू टू यू, ओके। तो हम देखते हैं उसे कोरोना हो सकता है कैसे बनाना है, ही कैन हैव कोरोना, ठीक है। उसे कोरोना नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव कोरोना। क्या उसे कोरोना हो सकता है, कैन ही हैव कोरोना, क्या उसे कोरोना नहीं हो सकता है, कैन ही नॉट हैव कोरोना। उसे कोरोना कैसे हो सकता है, हाउ कैन ही हैव कोरोना, उसे कोरोना कैसे नहीं हो सकता है, हाउ कैन ही नॉट हैव कोरोना, क्या है कोरोना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसे ज्ञान, उसे छोड़ो, ठीक है। किसी का नाम ले लो, किसका नाम लूँ बताओ, चलो अच्छा सा नाम ले लो, जैसे हाँ मुकेश को ज्ञान हो सकता है, मुकेश को ज्ञान हो सकता है, या मुकेश के पास हो सकता है। मुकेश कैन हैव नॉलेज, मुकेश को ज्ञान नहीं हो सकता, मुकेश कैन नॉट हैव नॉलेज। क्या मुकेश को ज्ञान हो सकता है, कैन मुकेश हैव नॉलेज। क्या मुकेश को ज्ञान नहीं हो सकता है, कैन मुकेश नॉट हैव नॉलेज। मुकेश को ज्ञान कैसे हो सकता है, हाउ कैन मुकेश हैव नॉलेज। मुकेश को ज्ञान कैसे नहीं हो सकता, हाउ कैन मुकेश हैव नॉट हैव नॉलेज। मुकेश को ज्ञान कैसे नहीं हो सकता, हाउ कैन मुकेश नॉट हैव नॉलेज। तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, अच्छा सा मस्त, ठीक है। यह मेरा पेन हो सकता है, यह मेरा पेन हो सकता है, ध्यान देखना, यह मेरा पेन कैसे बनाएंगे, ये दिस कैन, नहीं नहीं मेरा, सॉरी पास होने के नहीं है, तो लेकिन बोल सकते हैं मेरा पेन हो सकता है, मेरा पेन हो सकता है, या मेरे पास पेन हो सकता है। आई कैन हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं हो सकता है। आई कैन नॉट हैव पेन, क्या मेरे पास पेन हो सकता है,
कैन आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं हो सकता है, कैन आई हैव नॉट पेन, मेरे पास पेन किस तरह हो सकता है, किसका हो सकता है, हो सकता है किस, मेरे पास किसका पेन हो सकता है, बोल सकते हैं तो कहेगा हुज, हुज कैन आई हैव पेन, मेरे पास किसका पेन नहीं हो सकता है, हुज कैन आई नॉट हैव पेन। तो इस प्रकार आप सेंटेंस को बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इट इज़ वेरी ईजी सेंटेंसेस। व्हाट यू हैव टू मेक सेंटेंस मोर, एटलीस्ट यू कैन मेक द सेंटेंस 10 to 12 इन द वन कैन वी कैन हैव। ओके, तो ये कैन हैव की क्लास थी। आई हैव फिनिश्ड दिस क्लास टुडे एंड यू हैव टू मेक द लॉट्स ऑफ द सेंटेंस एंड नेक्स्ट डे आई विल मेक यू प्रैक्टिस ऑफ द कैन वी कैन हैव एंड इफ देर विल बी अदर कैन हैव सो आई विल टीच यू। आई एम नॉट टीचिंग यू द पीस ऑफ बॉयस ऑफ कैन हैव मॉडल पीस ऑफ बॉयस बट यू कैन आप देख सकते हो जैसे कि द वीडियो में कैन की सारी चीज एक ही क्लास में ख़त्म कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट माई मोटिव, एंड माई मोटिव इज डैट यू मस्ट लर्न इंग्लिश ओनली, एंड एक बार सीख लो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ना रहे कोई भी क्लास देखने की, कोई कुछ करने की, आपकी एटलीस्ट योर बेसिक ग्रामर मस्ट बी कम्प्लीट। सो यह मेरा मोटिव है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बना सकूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और आप अगर आप टॉपिक्स बना रहे कि नहीं बना रहे तो हो सकता है कल की क्लास टॉपिक्स की क्लास रहे, कल की क्लास प्रैक्टिस की क्लास रहे, मस्ट कैन मिक्स प्रैक्टिस की। सो मैं सोच कर आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी यू कैन टेल मी कमेंट बॉक्स एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो। आपको शेयर अपने दोस्तों तक करना ही करना है। और जो मैं हर बार बताता हूँ इंग्लिश स्पोकन बैच इट इज़ अ फ्री फॉर यू, दैट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, यही सीखा है मैंने। अगर मैं नोट्स भी बताऊँ ना तो यही नोट्स रहेंगे, बिल्कुल इज बिल्कुल सेम, कुछ देयर इज नो डिफरेंसेस इन बिटवीन द ग्रामर्स एंड नोट्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने सेंटेंस बनाए को प्रैक्टिस करें, रिकॉर्डिंग्स करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।